जी कुलसुम, क्यों आना है इस शो में? चैलेंज को फेस करना। वैसे मेरा इंटरेस्ट था कि मैं फाइटर पायलट बनूं पाकिस्तान एयरफोर्स में। फेवरेट डेयर क्या लिखा है आपने? एज अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं पाक आर्मी ज्वाइन करूं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा किससे नफरत है? मतीउर रहमान। क्यों? 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हाज शहीद के एयरक्राफ्ट को इंडिया में ले जाना चाहता था। उनके इस इरादे को राशिद मिन्हाज शहीद ने नाकाम बनाया। और राशिद मिन्हाज आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? या नेवी नहीं पसंद आपको? मुझे तीनों फोर्सेस में मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि जो ज़्यादातर मेरा रुझान था वो वेपन्स में था। क्योंकि कौन से वेपन्स पसंद हैं आपको? वेपन्स जो है SMG J3 हैं, और इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर्स हैं। मैं इन चीज़ों को बहुत पसंद करती हूँ। होवरक्राफ्ट्स हैं या इसी तरह हमारे सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं। तो आपने कभी खुद चलाया कोई वेपन? चलाया तो नहीं है, लेकिन शौक बहुत है। सबसे ज़्यादा कौन सा वेपन चलाने का शौक है आपको? सबसे ज्यादा मुझे रॉकेट लॉन्चर का। खोलो, खोलो तो। रॉकेट लॉन्चर उठाएंगे कैसे आप? हिम्मत और हौसला अगर इंसान में हो तो वो सब कुछ कर जाता है। और जैसा कि मैंने अपनी नज़मों में भी लिखा था, नज़म सुना दें। चलें कोई नज़म सुना दूं। पूछा था शाहीन से किसी बशर ने, तेरी ऊंची परवाज का राज क्या है? सुना तो गोया हुआ उसके जवाब में, खात्मा कर दे जुल्मत का। आपकी सिलेक्शन हो गई है। थैंक यू सर। लहू कर बहता है तेरा हक की राह में, बतला दे ना तेग से डरता हूँ मैं। चलें ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो आपका टैलेंट हो गया। एयरक्राफ्ट कौन सा ज्यादा आपको अच्छा लगता है? F-16 है, और स्टेल्थ बम्बार तैयारे जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे तरीन तैयारे हैं, और ये अमेरिका के पास है। चलें, आप चैलेंज क्या कर सकते हैं ये बताएं। आप दे, मैं दूं आपको। बट ये बता दूं कि फिजिकली मुझे वीकनेस है, क्योंकि मैं अभी फिजिकल चैलेंज नहीं है आपके पास। या ये कैमरा है, ये वो लड़का है जिससे आपको शदीद मोहब्बत है। अच्छा, अब आपको मोहब्बत का इजहार करना है। मुझे देखना है मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे। इस कैमरे से मुझे बेपनाह मोहब्बत है। इस कैमरे से नहीं, इस कैमरे में आपने बोलना है। वो देख रहा है आपको कैमरे के थ्रू, टीवी पे, जो भी आपका सपनों का शाहरुख खान है। जिससे मुझे मोहब्बत है? जिससे आपको मोहब्बत है? जिससे मुझे राशिद मिन्हाज शहीद से बेपनाह मोहब्बत है। और मेरा ये आप सब लोगों से, जो भी मुझे देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मरने के बाद पाक फजाए के उसी कब्रिस्तान में दफन किया जाए जहाँ पर राशिद मिन्हाज शहीद दफन है। लेकिन उससे पहले आपकी शादी भी होगी ना? मेरी डिजायर है कि आई विल बी शेड द लास्ट ड्रॉप ऑफ माय ब्लड इन द डिफेंस ऑफ माय डियर होमलैंड। ठीक है, वो तो आपको मुल्क को कौम के लिए लड़ना है, वो फौज लड़ लेगी। अभी तो आपको घर पे खाना पकाना है। जी, खाना आता है पकाना? यस। सबसे अच्छी डिश क्या पकाती हैं आप? आलू कीमा। शादी के बाद भी आप ही पकाएंगी? मैं खुद काम करूँ। आपका चैलेंज ये है कि आपको यहाँ पर इस तरीके से उसे इजहार मोहब्बत करनी है कि लगे। ये मोहब्बत का इजहार तो मुझे करना आता नहीं है। यही तो चैलेंज है। मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैंने आपको वतन के लिए वक्फ कर दिया। और मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरह आप मुझे कहते हैं कि जाने मन मेरा इंतज़ार ना करना, ज़िंदगी रही तो लौट आऊँगा, और आप भी मेरा इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि मुझे भी वतन कहाँ जा रही हैं आप? बेपनाह मोहब्बत। वतन से तो मोहब्बत है आपको, तो दुआ करनी चाहिए जंग ना हो। आर्मी मेरा मेका है, एयरफोर्स मेरा ससुराल है, और पाक नेवी मेरे बच्चे। भाई शादी नहीं होगी क्या आपकी? करेंगे नहीं तो आपके माँ बाप कितना ज़्यादा दुखी होंगे। उन्होंने आपके लिए सपना देखा होगा, अपने माँ बाप को दुख देंगी। मैंने अपनी नज़र में लिखा था कि जिन हाथों को पीला करने के ख्वाब देख रही है माँ, इन हाथों पे ना रचेगी ही ना। फिल्में कौन सी देखती हैं आप? मैं फिल्में तो देखती नहीं हूँ, अलबत्ता आर्मी के ड्रामे शौक से देखती। आप बॉर्डर के पास पैदा हुई थी? नहीं। शौक कैसे पैदा हुआ आप में? टीवी पर
परेड्स देखकर। आर्मी के अलावा क्या पसंद है दुनिया में? आर्मी के अलावा पेंटिंग्स हैं और नत नए काम करना। तो नत नए काम करने का अब आपको मौका मिल रहा है। अगर इस शो में कल को चैलेंज आ गया कि सबके सामने बाहर डांस करना है तो क्या करेंगी? एक मिनट है, जरा करके दिखाएं। नत नए तरीके से, जैसे आपको नत नए का लगता है, जो भी है। अगर आप खुद करना चाहती हैं तो करें। वैसे एक मैंने स्टोरी भी लिखी थी फौज के हवाले से। शादी उनकी किस अंदाज से होनी चाहिए? शादी किस अंदाज से फौजी की? जी बताएं। फौजी खवातीनों हजरात की शादी इस अंदाज से होनी चाहिए कि फौजी की शादी लगे मोहब्बत की इब्तदार। फौजी कॉलेज से रस्म मंगनी ट्रेनिंग सेंटर में, निकाह सिलेक्शन ऑफिस में गवाहान पाक फौज के आला अफसरान हो। मेहर में दुल्हा दुल्हन को कार्गो तैयारी से 130 जहाज और एटमी मिसाइल रॉकेट लॉन्चर्स दे। रस्म मंगनी में लोग गाना गाने के बजाय मेरे नगमे गाए और डांस के बजाय परेड की रिहर्सल की जाए। मेहमानों का इस्तकबाल फूल की पत्तियां बिछा करने बल्कि फायरिंग की घनघोरच में किया जाए। कोई फौजी आपको बोले कि आप मुझसे शादी कर लें फिर? इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई फौजी भी मुझे नहीं समझ सकता। मैं ये फौजी जवानों को चैलेंज कर सकती हूँ। आप इस कैमरे में कह सकती हैं फौजी जवानों को, जो भी आप फौजी जवानों को चैलेंज देना चाह रही हैं? मैं पाकिस्तानी फौजी जवानों को ये चैलेंज करती हूँ कि कोई मुझे अपना के दिखाए। अच्छा, कोई भी फौजी अगर आपको समझना चाहे तो कहाँ आके समझ सकता है? मुझे समझने के लिए PhD करनी पड़ेगी, जो कि मुझे ही ईजाद करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको लगता है बहुत मुश्किल है? यस। कैसे आपको पता चला कि आप मुश्किल हैं? मुश्किल इसलिए लगता है कि अक्सर जो लड़के होते हैं रोमांटिक होते हैं और प्यार मोहब्बत की बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं उनको सरहदों की तरफ करूंगी। तो बेचारे सरहद पे भी वही काम करें आपके वो पास आके? सरहद पे भी वही काम करके आएंगे, घर में आएंगे, बोलेंगे हमारी वाइफ हमसे बातचीत करें, लेकिन वो फिर सरहदों के बारे में भाई बताएं क्या हालात है, क्या हुआ, बोलेंगे वहाँ पे भी यही काम होता है, यहाँ पे भी यही काम होता है। बैठे। जब आपका हस्बैंड पहली बार आपसे मिलेगा, जब आप घूंघट में होंगी, वो घूंघट उठाएगा तो आप क्या चाहती हैं वो पहली बात आपको क्या बोले? वो यही बोले कि तुम पढ़ो लिखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तोहफे में क्या चाहिए होगा आपको पहले दिन जब वो? तोहफे में मुझे बुक्स चाहिए होंगी। कौन सी बुक्स? बुक्स अल्लामा इकबाल की बाले चिपरे। इस शो में तो आगे चल के ऐसे ऐसे चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है शेर के मुंह में हाथ डालना पड़ जाए। ऐसे कि शेर के मुंह में हाथ डालना से मैंने एक काम किया था कि मेरा एक बिल्ला था जो कि चिड़िया को पकड़ के लाया था, तो उसके मुंह से चिड़िया को निकाला था जिससे मेरा हाथ जख्मी भी हुआ था। चिड़िया बच गई थी? चिड़िया जो है वो बची नहीं थी क्योंकि उसने बहुत बुरी तरह उसकी गर्दन दबोच ली। तो आप उसे खाने देती हैं फिर? फिर मैंने उसके सामने रखती थी, वो बेचारा हमारा बिल्ला खाता नहीं था, वो खेलता था, पकड़ के मार देता था और खेलता था, क्योंकि वो पाकिस्तानी बिल्ला नहीं था। कहाँ का बिल्ला था? इंग्लैंड। इंग्लैंड से बिल्ला मंगाया आपने? पकड़ा नहीं था, इंग्लैंड से नहीं, मंगवाया कह रहा हूँ। मंगवाया नहीं था, मेरे भाई के जो फ्रेंड थे उनके घर में था इंग्लैंड का बिल्ला, उनके सारे फैमिली इंग्लैंड में। कहाँ आप डेट लगाना पसंद करेंगी? ज्यादातर फॉरेस्ट का शौक है। जंगल? जी वाइल्ड, बिल्कुल। मुझे जंगलों के बारे में, जंगलात है, इसके अलावा स्विमिंग है और अंडर वाटर। डेट का क्या मतलब होता है? डेट का मतलब आप चैलेंज को, एक खतरनाक चीज। डेट, DATE, डेट। डेट, डेट लगाने का क्या मतलब होता है कहते हैं? आई डोंट नो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, वो कहीं मिलते हैं उसको डेट कहते हैं। अच्छा, उस वक्त PF म्यूजियम। अगर आपको कोई ऐसा लड़का मिल गया जो चाहता है आप लंबी लंबी आपसे फोन पे बातें करें, तो आप क्या करेंगे? रात 12 से सुबह 6 अक्सर औकात तो मैं जागती रहती हूँ, बात कर लूंगी। क्या करती हैं आप जाग के?
रात को जाग के भी ज्यादातर या तो स्टडी और या तो जो है जमीन पे रिंगना और जी जमीन पे रिंगना। रात को आप जाग के जमीन पे रिंगती हैं? रात को जाग के नहीं, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपकी फेवरेट चीज जमीन पे रिंगना है। मेरी फेवरेट चीज तो बहुत ज्यादा है। नहीं, जमीन पे रिंगने का मतलब मैं नहीं समझा, सांप बन जाती हैं आप? सांप नहीं, ये जैसे फौजी के बाल जिस तरह रिंगते। जी प्लीज जरा बता दीजिए, हम लोग देख लें। मैं दो तीन तरह से आपको, दो तीन तरह की क्रॉलिंग, क्रॉलिंग नहीं, दो तीन तरह से जी। कोई बात नहीं जी, एक तरह की हो गई, दूसरी तरह की बता दो। फाइव आई बैठे। गालियां देती हैं आप? अच्छा गुस्से में तो नहीं यार, बता अगर अननोन नंबर से कॉल जाए तो। अननोन नंबर से जब कॉल आती है, आ गई कॉल, फोन उठाएं। जी आई भी है। कौन है बगैर की औलाद क्यों तंग कर रहे हो? बदतमीज बेहया, तुम्हें तमीज नहीं है? छाओ अपने माँ बाप को कॉल करो, अपनी माँ और बहन को भेजो जाके। आपको मिस्ड कॉलें भी आती हैं इस तरह? बहुत ज्यादा तकरीबन। तो अभी मैंने अपनी सारे अननोन नंबर चेक किए थे, 120 नंबर मैंने अपने उसमें रिकॉर्ड की, जो कि अननोन नंबर्स थी। 120 अननोन नंबर आपको तंग करते हैं? जी। और फोन करके क्या बात करते हैं वो? वो फोन अगर करते भी हैं तो हेलो जान, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ जान मान, अपनी माँ और बहन को बोलो। गाने आते हैं आपको? मुन्नी बदनाम होई डार्लिंग तेरे लिए। फेवरेट गाना कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट गाना नाजिया हसन का एक गाना था कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। सुना दे। और मैंने इसको उलट बनाया था, F-16 मेरी जिंदगी में आए, फ्लाइंग हो जाए, फ्लाइंग हो जाए। चलें आप चैलेंज क्या कर सकते हैं ये बताएं। पॉलिटिशियंस की बाजू का नकली उतारती हूँ, लेकिन उतारे अल्ताफ हुसैन जिनके मैंने पेंटिंग भी बनाई थी और 90 में वो गई है। 90 में भेजी थी आपने पेंटिंग? जी आपकी मर्जी है, जिसकी नकल उतारना चाहे, जिसकी पैरोडी करना चाहे, ताकि कल MQM वाले मुझे उठा के ले जाएं। नहीं नहीं, ये MQM के बारे में बिल्कुल गलत ख्याल आते हैं। मैं आपको सही बताऊं, बिल्कुल भी ऐसी जमात नहीं है। चले एक मिनट तक आपको चीखते रहना है, आवाज नीचे नहीं आए। चीखना किसे कहते हैं? मैं इसी चीज की मशकें करती हूँ ज्यादातर। मशकें? और किस चीज की मशकें करती हैं आप? मशकें, और अगर मुझे अदाकारी का मौका मिले। अदाकारी, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। कौन सा हीरो आपको याद है अभी? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान? इन लोगों को तो मैं लाइक नहीं करती। किसको लाइक करती हैं आप? जान जान रैम्बो। जान रैम्बो को पसंद करती हैं आप? बस जबरदस्त, जान रैम्बो आपका हीरो है, उसके साथ आपका एक रोमांटिक सीन है, यहाँ से कोई उठा ले वो जान रैम्बो है। कौन है? कोई भी है उठा ले। जान जान रैम्बो, अल्लाह मैं सदके जाऊं, कहाँ गए थे तुम, कहाँ थे इतने दिनों से, आए भी नहीं, लगता है फिर कोई ढूंढ ली होगी इसने, इधर नहीं जाया करो। हाँ अच्छा, बकायदा किस भी कर रही है। हाँ ना। अच्छा जॉन रैम्बो आपको इतना पसंद है? जी। बाज लोगों की सिर्फ बातों की वजह से और सोच की वजह से उनकी सिलेक्शन हो जाती है, आपकी सिलेक्शन हो गई। खोलो खोलो तो खाला तो, थैंक यू। खोलो खोलो तो मैं
मैं स्पेशल थैंक्स अदा करती हूँ ARY TV का और वकार जकर का कि उन्होंने ये इवेंट्स मुनक्किद करवाया और मुझे अपने सेलेक्ट होने पर बेपनाह खुशी है। आई एम स्पेशल थैंक्स माई टीचर्स, माई पेरेंट्स एंड ARY TV। हाला तो जिंदाबाद।